दोस्तों, जिला यमुनानगर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक को उसी के घर में बंधक बनाकर बीती रात लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बात कर रहे हैं यमुनानगर के पॉश एरिया यानी कि मधु कॉलोनी की। मधु कॉलोनी में रहने वाले एक प्लाईवुड फैक्ट्री के मालिक को रात के समय मालिक के घर पर काम करने वाले पिछले 3 महीने से एक नौकर और उसके 3 अन्य साथियों के द्वारा एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, हथियारों के दम पर पहले तो परिवार को बंधक बनाया जाता है और उसके बाद घर में रखे हुए 10 लाख रुपए कैश और उसी की पत्नी के सोने के कीमती जेवरात लेकर मौके से 9:49 होते दिखाई दिए हैं। घर में 3 महीने से नेपाल का रहने वाला एक नौकर काम कर रहा था और किस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया और उसी षड्यंत्र के तहत बीती रात मालिक और उसकी पत्नी को बंधक बना दिया गया और उसके बाद उनकी खूब जमकर धुनाई भी की गई और उसके बाद जाकर घर में जितना भी कैश और कीमती आते उसे लेकर मौके से जो चोर और उनके अन्य साथी थे वो 9:49 होते दिखाई दिए। तो दोस्तों, यमुनानगर के मधु कॉलोनी से एक बड़ी लूट की वारदात सामने आ चुकी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो गई कि किस तरह से वो गेट के अंदर दाखिल होते हैं और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर एक बैग अपने साथ लेकर घर से बाहर की ओर रवाना होते हैं। अभी फिलहाल सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, सारी घटना उसमें कैद हो गई है, तो जल्द ही लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तो आने वाले समय में ही देखना होगा कितनी जल्दी प्लाईवुड फैक्ट्री के उस मालिक को इंसाफ मिलता है और कितनी जल्दी नुकसान की भरपाई होती है। आइए जानते हैं पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा का इस बारे में क्या कुछ कहना है। अपील करते हैं इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें क्योंकि यमुनानगर में एक बार फिर से एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो दोस्तों, अपील करते हैं इस खबर को शेयर करें। जिला यमुनानगर से बीती रात की एक बड़ी खबर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि यमुनानगर के पार्श इलाके यानी कि मधु कॉलोनी में रात के अंधेरे में प्लाईवुड कारोबारी को उसी के घर में हथियारों के दम पर बंधक बनाकर की लाखों की लूट। जी हां, लाखों की लूट कर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम और घर में पड़े 10 लाख के करीब कैश, घर में पड़ी लाखों की ज्वेलरी और कारोबारी और उनकी पत्नी ने जो सोने के आभूषण पहने हुए थे उसे भी लूट कर ले गए लुटेरे। 4 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम और वहीं घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में लुटेरों के घर में आते और घर से लूट कर भागते हुए सारी घटना कैद हो जाती है। कारोबारी के नौकर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा और सभी क्राइम यूनिट्स ने घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। एसपी मोहित हांडा ने कहा कि इस वारदात को लेकर बहुत सारे क्ल्यू मिल चुके हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कारोबारी के घर में हथियारों के दम पर बंधक बनाकर लूट की इस वारदात में सीसीटीवी भी सामने आ चुकी है और जिसमें कारोबारी का नौकर पहले ही गेट से अंदर आ चुका था और फोन पर बात करता भी दिखाई दे रहा था। फिर उसके 3 साथी घर में गेट से दाखिल हुए और फिर उसके बाद लूट करने के बाद एक आरोपी जिसके हाथ में एक बैग नजर आ रहा है वो घर की दीवार फांद बैग लेकर भाग गया और उसके बाकी 3 साथी गेट खोलकर भागते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पीछे कारोबारी की जो पत्नी है वो भी गेट तक भागी। वहीं कारोबारी परवीन गर्ग ने बताया कि वो अपने कमरे में बैठे हुए थे तभी उनकी पत्नी के चिल्लाने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। जैसे ही मैं कमरे से निकला तो मुझे भी बांध दिया गया और उन लोगों के पास चाकू और अन्य हथियार भी थे। उनमें से 2 लोग मेरे ऊपर बैठ गए थे और जो मुझे बोले कि मुझे जो भी घर का सामान है वो दे दो। उनके जाने के बाद कुछ ही देर के बाद जैसे जैसे जोर लगाकर वो घर से बाहर निकले उन्होंने शोर मचाया, तभी घर के साथ रहने वाले जो उनके भाई का और परिवार था और जो आस पड़ोस थे वो सभी इकट्ठा होने शुरू हो चुके। भाई नरेश ने बताया कि इनके भाई और भाभी घर पर ही थे और हमारे नौकर ने उन बदमाशों को बुलाया और गेट खोलकर तुरंत अंदर की तरफ घुसकर सबसे पहले भाभी को मारा और उसके बाद भाई को बंधक बनाकर चाकू और रिवॉल्वर दिखाने लगे और भाई ने सोने का 12 तोले का जो कड़ा और चैन पहनी हुई थी, वहीं भाभी ने जो सोने के गहने और आभूषण पहने हुए थे सब कुछ उनसे निकलवा कर उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग गए। भाभी को बहुत सारे थप्पड़ भी मारे गए और मालिक और अलमारी को तोड़ा गया जिसमें से 8 से 10 लाख रुपए कैश और जो अन्य सोने की ज्वेलरी का सामान रखा हुआ था वो सभी लूट कर मौके से फरार हो गए। जब मेरे भाई ने शोर मचाया तभी हम लोग यहाँ पर भागे और उस हड़बड़ाहट में वो अपना एक
बैग यहाँ पर छोड़ गए, जिसमें से लंबे लंबे पेचकस, दो सबल चाकू और बहुत सारा सामान भी पाया गया। उन्होंने बताया कि हमारा नौकर भरत है, जो नेपाल का रहने वाला है और 3 महीने से ही हमारे पास काम कर रहा था, और उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस मामले में मौके पर पहुंची एसपी मोहित हांडा ने बताया कि जैसे ही हमें सूचना मिली कि मधु कॉलोनी में 104/5 नंबर मकान में कुछ लोगों ने घर में घुसकर घर के मालिक को बंधक बनाकर यहां से इनका सामान लूटकर मौके से भाग गए हैं। अभी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और हमारी सभी यूनिट्स मौके पर भी पहुंची हैं और इस पर काम करती नजर आ रही हैं। इसी मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और हमारा यही प्रयास है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। और इस वारदात को लेकर कई क्लू भी सामने आ चुके हैं, जैसे कि उनका नौकर बताया जा रहा है, उसको भी सभी पहचानते हैं और CCTV फोटोज भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। और जल्द देखना होगा कितनी जल्दी आरोपी पुलिस की इस सलाखों के पीछे चलते हैं। बाहर एक बार शोर मचा दिया, बाइक को बुला लिया मैंने, वो इतने आगे भी निकल गए, भज गए। फिर ब्रदर और मेरे भाभी दोनों रूम में बैठे हुए थे, जो हमारा सर्वेंट था उसने उनको बुलाया था, उन्होंने बुला के उसने गेट खोला, इनको आके इनको बंदी बना लिया और चाकू रिवॉल्वर दिखाई। उसके बाद जितना इन्होंने कड़ा डाला हुआ था, 10-12 तोले का चेन डाली थी, भाभी ने काफ़ी सामान डाला हुआ था गोल्ड का, वो सब निकलवा लिया उन्होंने बांध के, और भाभी को थप्पड़ बहुत मारे उन्होंने। फिर अलमारी तोड़ के इतने 8-10 लाख कैश था और कुछ गोल्ड की ज्वेलरी से लेके भाग गए। कितने 4 लोग थे, एक हमारा भादर था। उसमें क्या बाई चांस किया, हमारे मेरा घर पीछे है, मैं इसका छोटा भाई हूँ, इन्होंने चीखे मारनी शुरू की, हम फटाफट भाग के आए, इतनी देर में भाग के निकल के अपने बैग यहीं छोड़ गए वो। अदरवाइज वो कुछ और घटना करते, बैग में कुछ हथियार थे सर? हथियार थे उनके, 2 बड़े बड़े सब्बल थे मारने के लिए, पेचकस थे और चाकू था, मतलब और काफ़ी हथियार थे मारने के लिए। तो सर रत है भादर, एक हमारे फैक्ट्री में 4-5 साल से भादर काम कर रहा, उसने लगवाया था इसको, ये 3 महीने से हमारे साथ था। तो इस रहने वाला है भारत है, नेपाल का रहने वाला है। ये कितने दिन हो गए अभी काम कर रहा है? 3 महीने से हमारे पास काम कर रहा है। हाँ, चोटें आई हैं उनको, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, एक डॉक्टर उधर आए भी हुए हैं, उनका BP भाभी का भी चोटें भी हैं, उनका BP का भी बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के अभी कितना कैश लेके गए हैं? अभी तो ऐसा कुछ बता नहीं सकते, 8-10 लाख कैश होगा, बाकी गोल्ड काफ़ी लगे हैं, भाई साहब का कड़ा था, 8-10 तोले का चेन थी वो हाथ में डाला हुआ था। हाँ जी हाँ, हाथ में अंदर निकलवा के ले गए, भाभी भी गोल्ड की चूड़ियाँ डाली हुई थी, चेन डाली हुई थी, वो सब ले गए, रिंग विंग सब निकलवाई। वो गेट से आए थे जी, हमारा सर्वेंट साथ में मिला हुआ था, उसने गेट खोला, उसी ने अंदर डाला उनको। तो अभी यहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो यहाँ पे आए थे 104/105 नंबर इधर लोकेलिटी में, और उन्होंने यहाँ पे जो मकान के यहाँ के पे रहते थे, इनको बंधक बना के यहाँ से इनका सामान लूट के लेके गए हैं। अभी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, अलग अलग टीम्स जो हैं वो हमने एक्टिवेट कर ली हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। FIR इनकी जो फॉर्मल कंप्लेंट लेके वो दर्ज की जाएगी और कोशिश यही रहेगी कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सर कुछ बता दीजिए, मिस्टर गर्ग जो हैं इनका घर है यहाँ पे 104/105 नंबर मधु कॉलोनी की बैक साइड, और अभी जो फॉर्मल है FIR वो दर्ज की जाएगी। कुछ लोग जो यहाँ पे आए थे और इनका कुछ इनिशियल क्लूज भी हैं, ये उसको पहचानते हैं जो व्यक्ति है, और उसके कुछ और साथी आए, उसको एक्सेस दी यहाँ पे घर पे। अब हमारी कोशिश यही है कि सभी टीम्स के साथ इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए। जी